देख लो मतलब प्रॉपर वर्किंग के अंदर रहने वाला है और इसका प्राइस हमने बताया सर 30,000 रुपीज है ना। 30,000 रुपीज के अंदर आपको मैकबुक एयर और मिनी मिल जाएगा। स्पेसिफिकेशन की बात करें i5 थर्ड जनरेशन ये भी है, बस ये 11 इंच में, वो 13 इंच का ये 11 इंच में। गाइस ये 11 इंच के अंदर है i5 थर्ड जनरेशन, 4GB रैम और 128GB SSD, बस 30,000 रुपीज के अंदर आपको ये मिल जाएगा। और इसका ऑनलाइन प्राइस क्या चलता है सर? अप्रोक्स वही मान लो 70,000 में होगा इसका, वैसे के प्राइस है अपन के पास 1,00,000 अप्रोक्स का प्राइस रहने वाला है। और यहाँ पे आपको सिर्फ मिल जाएगी 33,000 4,500 रुपीज के अंदर आपको टैब मिल जाएगा, लिनोवो का मॉडल i3 में आपको मिल जाएगा, 5th जनरेशन। कंडीशन देख लो भाई, अगेन ब्रांड न्यू रहने वाली है, सारी कंडीशन ग्रेट होगी भाई। चलो ब्रांड न्यू, कोई स्क्रैच नहीं, बिल्कुल साफ सुथरा रहने वाला है। सर अगर इसके स्पेसिफिकेशन की मैं बात करूँ, क्या रहती है? 4GB रैम मिल जाएगी इसके अंदर, और आपको मिलती है 1TB हार्ड डिस्क मिलती है सर, 2GB रैम और 120GB हार्ड डिस्क मिलता है। देख लो काफी स्लिम और छोटा है, और कंडीशन मिलो परफेक्ट रहने वाली है। देख लो एसूस मिल जाएगा आपको, ये मिल लेना, वो मिल जाएगा। प्राइस अप्रॉक्स 5,000 रुपये आपको मिल जाएगा मिनी दोनों का। हम लैपटॉप कितने स्टार्ट कर देंगे? 4,000 से स्टार्ट। तो जैसे हर बार रहता है वैसे आज की वीडियो सबको 4,000 रुपये स्टार्टिंग हो जाएगी। सो ये सब गाइस इस सेटिंग में वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल TL84 रूटर्स। आज के वीडियो वाले पर वापस से लेके आता हूं कॉस्ट टू लैपटॉप पे। जैसे सर आप बस आप सबकी डिमांड थी, अब सबको लैपटॉप चाहिए, दिवाली आ रही है, मतलब क्या ऑफर रहने वाले हैं, कुछ रेट में अप डाउन करा नहीं कर रहे भाई, आप सबके थोड़ा अप डाउन कर दिया। बाकी आज की वीडियो के अंदर सारे भाई लैपटॉप्स मिल जाएंगे भाई, मैकबुक एयर मिल जाएगी आपको। मैकबुक में कौन कौन से मिल जाएंगे हमारे पास? मतलब एयर को सब मिल जाएगा भाई, तो बाकी टैब भी आप सबको मिलने वाले हैं। तो भाई देरी ना करते हम करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। चैनल पर सब्सक्राइब करना भूल मत, ताकि जब भी मैं नई वीडियो नोटिस ना करता आज की वीडियो। हाँ जी, तो गाइस आप सब डिमांड भाई वापस से आज को फिर से कॉस्ट टू कॉस्ट लैपटॉप। सर आपकी लोकेशन क्या रहती है? ठीक है, तो गाइस बताओ बाकी प्रॉपर लोकेशन एग्जैक्ट आपको बता दो, ये रहती है प्रॉपर इस तरह से आप आ सकते हो। बाकी नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन की बात करूँ सर, क्या रहता है? मेट्रो स्टेशन लक्ष्मी नगर मिल जाएगा। बाकी आज की वीडियो के अंदर हम लैपटॉप कितने स्टार्ट कर देंगे? 4,000 से स्टार्टिंग। तो जैसे हर बार रहता है वैसे आज की वीडियो में 4,000 रुपये स्टार्टिंग हो जाएगी। तो सर कहाँ से स्टार्ट करने वाले फिर हम? बस HP का लैपटॉप मिल जाएगा 4,000 रुपये से। प्रोसेसर की बात करिए, क्या डिटेल से इसकी? और बता दो सर भाई, 40GB हार्ड डिस्क और 1GB रैम है, मतलब की। और बैटरी बैकअप वगैरह अप्रॉक्स कितना चल जाएगा? बैटरी बैकअप अप्रॉक्स आधे घंटे होती है, आधे घंटे होता है। बाकी आप लगातार लगा के चला सकते हो, तो पूरा दिन भी चल जाएगा अप्रॉक्स। और प्राइस हमारा 4,000 रुपीज का रहने वाला है। ठीक है, और सर साथ में क्या क्या देते हो आप? इसमें सर चार्जर मिलेगा, सर चार्जर मिलेगा। और ठीक है, तो गाइस और बाकी अगर देखो कोई अगर डिलीवरी चाहता है तो गाइस इनकी डिलीवरी पॉसिबल हो जाती है, ऑल ओवर इंडिया डिलीवर हो जाएगा। अगर गाइस आप कहीं दूर से वीडियो देख रहे हो तो आप डिलीवरी भी करवा सकते हो। बाकी इसके बाद बढ़ते हैं सर आगे आगे देख लो, मिनी मिल जाएगा। मिनी में आपको लैपटॉप चाहिए मिनी में, हाँ। कैरी करने के लिए भाई काफी इजी रहता है। सर इसके कौन सा प्रोसेसर रहने वाला है इसके अंदर? इसमें एटम प्रोसेसर होगा, 2GB रैम होगा, 2GB रैम और 120GB हार्ड डिस्क मिलता है। देख लो काफी स्लिम और छोटा है, और कंडीशन मिलो परफेक्ट रहने वाली है। देख लो एसूस मिल जाएगा आपको, ये मिल लेना, वो मिल जाएगा। प्राइस अप्रोक्स 5,000 रुपये आपको मिल जाएगा मिनी, देखो दोनों की कंडीशन परफेक्ट रहने वाली है। ये देख लो इस तरह से रहता है हमारा पन्नी छिड़ी देख लो। इसका कौन सा प्रोसेसर रहने वाला सर? एटम प्रोसेसर। ठीक है, तो गाइस दोनों के हमारा सेम प्रोसेसर मिल जाएगा। कंडीशन कंडीशन ए1 कंडीशन रहने वाली है। ठीक है, इसके बाद कोडुडू में आ जाता है 6,500 में। अगर इसके मैं स्पेसिफिकेशन की बात करूंगा, 2GB रैम 120GB प्रोसेसर, 2GB रैम और 120GB हार्ड डिस्क मिल जाएगी इसके अंदर, 6,500 रुपीज के अंदर आपको मिल जाएगा। बाकी तो कंडीशन अगेन परफेक्ट रहती है। और बाकी अगर कोई आना चाहे तो ऑफलाइन आके भी ले सकता है। ठीक है, इसके बाद डेल भी मिल जाता है, इसी में सेम में एचपी मिल जाएगा कोटुडू सेम प्राइस। ठीक है, तो गाइस इसके अंदर आपको डेल भी मिल जाएगा और एचपी भी मिल जाएगा, कंडीशन अगेन परफेक्ट। और मतलब विंडोज वगैरह का सब कुछ आपको प्रॉपर डेल के मिलेगी इसके अंदर सारी। ठीक है, बढ़िया कंडीशन होगी। इसके ऊपर का मॉडल आ जाता है डेल में, डेल में
डी 630 भाई, डी 630 आ जाता है अगर इसके मैं स्पेसिफिकेशन के एनालिसिस करें। 2GB 120 होगा बस, इसके ऊपर का मॉडल है वो थोड़ा सा ठीक है, मतलब इससे ऊपर का मॉडल मिल जाएगा आपको। और ये लो कंडीशन अगेन फिट एंड फाइन रहने वाली, इसकी भी 7000 रुपए के अंदर आपको मिल जाएगा। 500 रेफरेंस में आपको इससे चलेगा, ठीक है। इसके ऊपर आप देखते हैं, इसके ऊपर ही ऊपर का मॉडल है, इसके ऊपर का मॉडल हमारा डेल का लैपटॉप मिल जाएगा आपको, E55 आपको मिल जाएगा, ठीक है। और अगर इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करें, कोर टू ड्यूओ 2GB रैम 120GB हार्ड, कोर टू ड्यूओ होगा और 2GB रैम 120GB इसकी हार्ड डिस्क रहने वाली है, 7000 रुपए के अंदर आपको मिलता है, ठीक है। लोगों की डिमांड होती है i5 के अंदर आपको सबसे कम प्राइस में अगर लैपटॉप चाहिए मिनी के अंदर, सर 9000 रुपए देते हैं आपको i5, और रैम वगैरह रहती है इसकी 4GB रैम होगा, 250GB हार्ड डिस्क, 4GB रैम मिल जाएगा, 250GB हार्ड डिस्क मिल जाएगा, ठीक है सर i5 के अंदर। इसके बाद विप्रो मिल जाता है i3 में सेकंड जनरेशन गाइस, आपको सेम आपको विप्रो मिल जाएगा, ये 14 इंच में होगा, 4GB रैम होगा, 250GB हार्ड डिस्क, ठीक है। 9000 का 4GB रैम और 250GB इसके अंदर आपको हार्ड डिस्क मिल जाएगी, प्रॉपर येलो कंडीशन काफी अच्छी परफेक्ट रहने वाली है, ठीक है। इसमें कलर भी मिल जाते हैं, रेड भी मिल जाते हैं, ब्लैक भी, इसमें देखो उसमें 2-3 कलर जो भी आपको अवेलेबल होगा वो आपको मिल जाएगा इसके अंदर, ठीक है सर। इसमें बात करें, कई लोगों की रिक्वायरमेंट होती है क्रोमबुक में मिल जाएगा आपको। तो भाई देखो सैमसंग के अंदर आपको क्रोमबुक मिल जाएगी भाई, और इसके अंदर अगर स्पेसिफिकेशन की बात करूं, i5 4GB रैम होगा भाई, 16GB होगा क्रोमबुक, ठीक है। i5 सेकंड जनरेशन, i5 गाइस 7th जनरेशन मिलेगा, सेकंड जनरेशन। और सर अगर प्राइस की बात करूं इसकी, 12000 रुपए आपको क्रोम बुक मिल जाएगी, कंडीशन अगेन दिखा रहा हूँ, देख लो परफेक्ट कंडीशन रहने वाली है, ठीक है सर। इसके बाद कोई आईडी सेम सोनी में मांगते हैं, सोनी में i3 में सेकंड जनरेशन 15.6 स्क्रीन न्यूमेरिक कीबोर्ड, कैसे न्यूमेरिक कीबोर्ड मिल जाएगा वो प्रॉपर कंडीशन देखो, प्रॉपर A1 है वाली, बस पॉलिथीन इस बार चढ़ा जाती ताकि मतलब प्रॉपर इसके ऊपर डस्टिंग आ जाती है, डस्ट ना हो इस वजह से। बाकी सर इसकी रैम और हार्ड डिस्क कितने रहने वाली है, 320GB, 4GB रैम और आपको मिलेगी 320GB हार्ड डिस्क मिल जाएगी इसके अंदर, 14500 सोनी का मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद ही i5 में थर्ड जनरेशन मिल जाएगा सोनी का, गाइस सोनी के अंदर आपको मिल जाएगा i5 के अंदर थर्ड जनरेशन मिल जाएगा, ठीक है। बाकी कंडीशन इसकी हमारी परफेक्ट रहने वाली है, और यहाँ से दिखाते हैं प्रॉपर प्राइस की बात करें सर, 4GB रैम है, 500GB हार्ड डिस्क, 16500 में आपको i5 थर्ड जनरेशन मिल जाएगा, 16500 रुपए के अंदर आपको मिल जाएगा i5 थर्ड जनरेशन, ठीक है। इसके बाद भाई कई लोगों की रिक्वायरमेंट होती है SSD में मांगते हैं, बाकी इन सब में भी अपग्रेड हो जाता है, ठीक है। इसमें SSD है, 4GB रैम, 240 SSD, 4GB रैम, 240GB आपको SSD मिल जाएगी इसके अंदर। i3 में 4th जनरेशन है, 15.6 स्क्रीन है, न्यूमेरिक कीबोर्ड है, ठीक है। ये मात्र आपको 20000 रुपए देते हैं, और HP का हमारा लैपटॉप रहने वाला है, प्रॉपर इस तरह से देख लो, बेस्ट कंडीशन बेस्ट रहने वाली है, ठीक है सर। इसके बाद i3 में 5th जनरेशन है, HP में, गाइस i3 में आपको मिल जाएगा 5th जनरेशन, कंडीशन देख लो भाई अगेन ब्रांड न्यू रहने वाली है, सारी कंडीशन बेस्ट होगी भाई, देख लो ब्रांड न्यू, कोई स्क्रैच नहीं, बिल्कुल साफ सुथरा रहने वाला है। सर अगर इसके स्पेसिफिकेशन की मैं बात करूं, क्या रहती है, 4GB रैम, इसमें हार्ड डिस्क 1TB है गाइस, 4GB रैम मिल जाएगी इसके अंदर, और आपको मिलती है 1TB हार्ड डिस्क मिलती है। सर अगर मैं प्राइस की बात करूं इसकी, गाइस 20000 की मिलती है, अगर नए का प्राइस अप्रोक्स 50-60 हजार रुपए का, यहाँ आपको फ्लैट 20000 है, 1TB हार्ड डिस्क मिल जाएगी इसके अंदर, ठीक है सर। इसमें i7 में थर्ड जनरेशन मिल जाएगा भाई, i7 मिल जाएगा डेल के अंदर आपको थर्ड जनरेशन, ठीक है। कंडीशन अगेन देख लो, मतलब काफी परफेक्ट रहने वाली है। प्राइस की बात करूं सर, 4GB रैम है, 1TB हार्ड डिस्क है इसमें, इसमें भी आपको 20 का मिल जाएगा गाइस, 4GB रैम और 1TB हार्ड डिस्क 20000 रुपए के अंदर आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो गाइस आपसे हमने ये देख लिया, आपके दिखाने वाले सर हम, इसके बाद आप मैकबुक देख लो और टैब दिखा देते हैं आपको। तो गाइस हम बात कर रहे थे टैबलेट्स के अंदर आपको चाहिए, काफी सारे आपको मिल जाएंगे, बस मॉडल सारे हमारे सेम रहने वाले हैं ना जी, क्वांटिटी मिल जाएगी, क्वांटिटी अगर आपको चाहिए क्वांटिटी भी मिल जाएगी, देख लो बिल्कुल भाई, पॉलिथीन वगैरह सब कुछ चढ़ी है, कुछ भी अभी तक हटा नहीं है, 4G में डुअल सिम है, ठीक है। 4G मिल जाएगा, डुअल सिम मिल जाएगा, और सबसे बड़ी बात इसके अंदर सब कुछ परफेक्टली वर्किंग रहने वाला है, क्लासेस वगैरह के लिए, मतलब सिम वगैरह सब कुछ सिम वगैरह सब कुछ चल जाता है इसके अंदर, ये देख लो मतलब प्रॉपर कैमरा वगैरह सब कुछ परफेक्ट रहने वाला हमारा, ठीक है सर। अगर प्राइस की बात करूं मैं इसके, ये 4500 का, 4500 रुपीज के अंदर आपको टैब मिल जाएगा, लिनोवो का मॉडल, टैब 37 ऑनलाइन चेक कर लिया, बट यहाँ पे काफी वैसे भी डिस्काउंट पे मिल जाएगा टैब हमारे पास, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं मैकबुक के अंदर, मैकबुक दिखा देता हूँ आपको। तो सबसे पहले पूछते हैं, इसमें मिल जाएगा, ठीक है, कौन सा हमारा वो रहने वाला है, इसकी डिटेल्स की बात करेंगे, इसमें आपको ये मैकबुक एयर है गाइस, मैकबुक एयर मिल जाएगा आपको, ठीक है। और इसके मतलब i5 के अंदर 4GB रैम, 128GB SSD, 4GB रैम, 128GB आपको SSD मिल जाएगा। प्राइस क्या आपको, आपको क्या रहना है, 33000 में होगा इसका, वैसे के प्राइस है एप्पल के पास 1 लाख अप्रोक्स इसका प्राइस रहने वाला है। और यहाँ पे आपको सिर्फ मिल जाएगी 33000 के अंदर, स्पेसिफिकेशन है i5 थर्ड जनरेशन, 4GB रैम और 128GB SSD, ठीक है। इसी में भाई आपको मिनी चाहिए, आईपैड
इसमें 11 इंच भी मिल जाता है। देखो 11 इंच मिल जाएगा भाई, इसके अंदर प्रॉपर देख लो वर्किंग कंडीशन के अंदर, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, प्रॉपर हर एक चीज वर्किंग है इसके अंदर भी। और इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें, i5 थर्ड जनरेशन ये भी है, बस ये 11 इंच में, वो 13 इंच में था, ये 11 इंच में। गाइस ये 11 इंच के अंदर है i5 थर्ड जनरेशन, 4GB रैम और 128GB SSD, बस 30,000 रुपीज के अंदर आपको ये मिल जाएगा। और इसका ऑनलाइन प्राइस क्या चलता है सर अप्रोक्स? वही मान लो 70-80 हज़ार अप्रोक्स हो भाई, काफी ज्यादा अच्छा आपको उसमें डिस्काउंट मिल रहा है सर, जितने भी मिले सारे कंडीशन। और इसके साथ में क्या क्या मिल जाता है साथ में? चार्जर मिलेगा, बाकी देखो इसके साथ साथ में आपको चार्जर मिल जाएगा मैकबुक एयर के साथ, ठीक है सर। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, इसके बाद आपको मिल जाता, दिखा देता हूँ, इसके बाद आपको मैकबुक प्रो मिल जाएगा। इसमें मैकबुक i5 के अंदर आपको मैकबुक प्रो मिल जाएगा भाई, देख लो कंडीशन अगेन भाई, मैकबुक की बिल्कुल साफ रहने वाली, बिल्कुल साफ सुथरी। और अगर इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करूं सर, मैं कह रहा थी ये आईफोन में भाई आपको 4GB रैम, 500GB हार्ड डिस्क, ठीक है, 4GB रैम, 500GB हार्ड डिस्क रहने वाली है, 28,000 रुपए के अंदर प्रॉपर मिल जाएगा आपको। बाकी देख लो अगेन एक मिनट सर, कुछ कैमरा वगैरह रन करके दिखा देते हैं एक बार हम। तो गाइस ये देख लो, मतलब प्रॉपर वर्किंग के अंदर रहने वाला है। और इसका प्राइस हमने बताया सर 30,000 रुपीज है ना, 30,000 रुपीज के अंदर आपको मैकबुक एयर मिनी मिल जाएगा 11 इंच, ठीक है सर। सबको देखो वीडियो पसंद आई तो वीडियो करनी, लाइक करनी, शेयर करने करना प्यारा कमेंट, बाकी देख लो मेरे को कर लो फटाफट इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो, वहाँ पे जो भी मेरी वीडियो आती है प्रॉपर आपको प्रॉपर वहाँ अपडेट मिल जाएगा। तो हमारे भाई के बाद लाइव आ जाता है, रील्स भी मिल जाएंगी। बाकी देख लो जिसको भी ऑनलाइन आना है प्रॉपर एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, बाकी सर का इंस्टाग्राम पेज रहता है सर, प्रॉपर इंस्टाग्राम जाकर वहाँ फॉलो कर लेना। बाकी तो प्राइस अगेन अमेजन है, 1,00,000 वाली मैकबुक आपको मिल जाएगी यहाँ पे, कितनी की सर? सर मैकबुक में कुछ वारंटी वगैरह हमारे कवर मिल जाती है, इस मैकबुक के अंदर आपको 1 महीने की वारंटी मिल जाती है। तो दिल नगर दम करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट आता, तब तक के लिए गुड।